من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون یہ آیت نمبر 59 کل تلاوت ہو چکی تھی ترجمہ مطلب باقی تھا یہ آیت معنی مطلب مفہوم تکملہ ہے سابقہ آیت کا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مسلمانوں کو جس امت سے پہلے کی امت ہیں بنی اسرائیل کئی مہربانیاں فرماتے گئے ایسی مہربانیاں ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر نہیں دنیا کے اسباب سے ممکن نہیں صرف قادر مطلق کی قدرت کے نمونے معجزہ اسی کو کہتے ہیں ان سے کہا 40 سال تک میدان تیمے آسمان کے نیچے صحرا میں ریگستان پر سزا کے طور پر انہیں حکم دیا تھا تم اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ تم نے سینکڑوں سال وطن چھوڑ کر جانے کی وجہ سے دوسری قومیں آباد ہو گئیں قدم جما لیا طاقت کے بل بوتے پر مضبوط ہو گئے اس زمانے کا انسان اچھا طویل مضبوط چوڑے خط کا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیث کے الفاظ میں آتا کہ 60 ذراع 60 ہاتھ تین فٹ کا ایک گز ہوتا ہے ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا اس سے حساب کریں قریب قریب موجودہ دور کے چار مینار کی مینار جب ختم ہوتی ہے اصل انسان کا وجود اتنا لمبا اور جب ساری دنیا ختم ہو جائیں گی دنیا کے اول کے آخر کے سارے انسانوں کو بھی جب اٹھایا جائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا تو خط وہی ہوں گا جو بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا یعنی 60 گز لمبا 7.5 گز چوڑا جب اتنا لمبا ہوں گا انسان کی چوڑائی بھی اس دیوار سے کم سے کم یہاں تک اپنا ہاتھ پیر انسان کا جو قد ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے خلقک فسواک فعدلک انسان اپنے ہائٹ کو دیکھنا ہے تو ٹیپ لے کر ناپنے کی ضرورت نہیں اپنے دھوا ہاتھ دراز کر دے اس پینٹ کو ناپ لے بس اس کا قد اتنا ہی ذرا بھی فرق نہیں رہتا بھر اتنے تو نہیں تھے قد گھٹتے 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 جو آج آیا ہے 5 فٹ کا اوریج ہو گیا 5 10 5.25 کے درمیان 5.5 کا ہے تو دراز خط کا کہہ رہے ہیں 6 فٹ کا ہے تو اور دراز کا قید کر رہے ہیں میرا 5 10 7 میں بلکہ 7 سے نیچے 1.5 فٹ کا بھی انسان موجود ہے یہ قدرت کا ایک سبق ہے جب ہر چیز کو گھٹا رہے ہیں ایک دن دنیا کو گھٹانے والے ہیں ختم کرنے والے ہیں فطری طور پر کھلم کھلا قدرت کے اسباق ہیں الغرض ان مسلمانوں کو جو یہودی امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد بالآخر ان کو اجازت ملی اپنے وطن چلے جاؤ جب جانے کے بعد صرف ایک شرط لگایا اللہ تعالیٰ
ज़िंदगी के हर मामले में हर इंसान के साथ ताकीद है, एहतियात उसी पे करना है, उसको मुहर्रमात कहते हैं, मनहियात कहते हैं अरबी में, जिन चीज़ों से मना कर दिया, नाजायज़ करार दे दिया। हर चीज़ खालिक और मालिक की है, उसका उसके ऊपर ख्याल रखना, ये कमाल दर्जे की इंसानियत है। कल के इसमें ज़्यादा तवील तफसील के साथ बयान हो चुका, सिर्फ एक लफ्ज़ की ताकीद कर दी गई, एक तौबा का इस्तग़फ़ार का तरीक़ा बताते हुए सिर्फ एक वर्ड दे दिया गया, ज़िद करके मुतालबा करके लिए बड़ों के सामने ज़िद नहीं करते, बड़े तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहते, वो तो अहकमुल हाकिमीन है, तुम्हारी आईन और हिकमत के मुताबिक है, तुम्हारी ज़िद की तकमील के लिए अब तुम्हें चाहिए था घास फूस होना था, सब्जियां होना था, दाल होना था, प्याज होना था, तरकारी होना था, वो क्या क्या किया अभी इस आयत के एक आयत के बाद उसकी पूरी तफसील आ रही है, उन्होंने क्या क्या ज़िद की थी। लेकिन यहाँ एक ख़ास बयान जिक्र करके मौजूदा दौर के उम्मतियों को भी ताकीद करना है। कुरान जगह जगह कहता है कि उन जैसों के जैसे ऐ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों, तुम ऐसे मत बनो, जबकि 80-90% मुसलमानों की तादाद ऐसा ही करते चल रही है, फिर कहती है कि मुसीबत हम पर ना आए। कुरान बार बार कहता है कि हमने ज़रा अभी ज़्यादती नहीं कही, इंसान गलतियाँ कर कर वबाल मुसीबत अपने ऊपर ले आ रहा है। वही का सामान आता वजहत कर दी गई, अब वही आने वाली नहीं है, तरीक़े बता दिए गए, उसूल ज़ाब्ते समझा दिए गए। चुनाचे साहब का तर्जुमा है, उन लोगों ने नाफरमान बंदों ने नाफरमानी करते हुए बदल डाला अल्लाह ने जो लम्हत उनका फरमाया था, हमारे गुनाहों को हमारे बदनों से उतार दे, गुनाह माफ़ कर दे, एक लफ्ज़ दिया गया था, उन्होंने तब्दील करके हिंद था। इंसान में आम तौर पर शरारत होती है, गेहूँ गेहूँ गेहूँ, वो 40 साल से तमन्ना तो कर ही रहे थे, अब इजाज़त दे दिए, अब दुनिया के तरीक़ों से जाओ कमाओ, भाग दौड़ करो, मेहनत करो, हासिल करो, सारी दुनिया के रिज़्क़ को दुनिया में हमने पहला कर रखा है, रिज़्क़ को हासिल करने के तरीक़े वही हैं, इस्तेदाद काबिलियत सलाहियत पैदा करो, बग़ैर सलाहियत के मिल जाए यह तवक्को गलत है। किसी से लूटो नहीं, झूठ बोल के धोखा देकर लो नहीं, अमानत की बुनियाद के पर हासिल करो, जहाँ गलती करोगे ऐसा ही होगा। क्या होगा जिक्र है, हमने जो कहने के लिए कह दिया था वो लफ्ज़ को बदल डाला, ये आदत उनकी रही, आज भी ऐसा चल सकता ना चल सकता ना, ये बदलने का तरीक़ा है, जैसा हुक्म है जैसी पाबंदी है उसमें सोचना नहीं, क्या कोई शक्ल हो सकती क्या, क्यों अपने रब के ऊपर यकीन नहीं, उसमें नुकसान हो रहा ना, तुम्हारी नज़र में नुकसान हो रहा, ज़ाहिरी तौर पर कमी हो रही है, लेकिन उस कमी को कबूल करने पर तुम्हारा खालिक मालिक तुम्हारे ऊपर क्या क्या मेहरबानियाँ करने वाले हैं तुम क्या जानो। लिहाजा इनके नाफरमानी के ऊपर हमने क्या किया, फानजलना अलल्लज़ीन ज़लमू, जो तौबा नहीं किए, तौबा के अल्फाज में गलत तरीक़ा इख्तियार करें, ये ज़ुल्म है, इनका नाफरमानी है बड़ी, फिर भी अल्लाह ने मेहरबानी करी, लेकिन उसका वबाल तो होना है। हमने आसमान से एक अज़ाब नाज़िल किया, बला मुसीबत,
ताउन की बीमारी, ४४ से पहले के वाक़ सुनते जाइए, आप जी जो तवील उम्र पाए हुए चंद बंदों को अल्लाह ताला जिंदा रखते हैं, इसीलिए रखते हैं। वो सारे वाक़ियात ज़माना जो इंसान के अच्छाई की वजह से अच्छा हुए, बुराई की वजह से जो बुरे हुए, वो नमूने बतला दें, मौजूदा दौर की नस्ल को इबरत हासिल हो, सबक हासिल हो। कुरान ने यही तरीक़ा इख्तियार किया, आसमान से बला मुसीबत को नाजिल कर दिए, ताउन, अब इसे लगाते जाइए क़यामत तक के लिए। कुरान है, हर ज़माने की हर मुसीबत की वजाहत करता है। जो आज इंसान जो कह रहा है, कहा है, सारी दुनिया के तूलो अर्ज़ में पूरी दुनिया का एक इंच वाला हिस्सा भी नहीं बचा, और आज भी इस गंदगी से पाक नहीं हुआ, जिसका आपने दिया एक ख़ास मरज, जिसकी तहकीक महारतिब में सारी दुनिया ने हासिल कर ली, कमाल हासिल नहीं किया। आज भी जितने कोरोना के उसमें कोई 19 अकसाम हैं, एक पलट के भी आते चल रहा हूँ। इसको कहते हैं आसमानी अजाब, जो खुलाने रिज़म मिन समाई। ये तो 6 लाख से ज़्यादा थे, इस नाफरमानी के ऊपर अल्लाह ने अजाब नाज़िल किया तो एक ही वक्त में, यानी सुबह शाम में फला फला में लाशें पड़ने लगी, गिरने लगी। ताउन की बीमारी, दकन में भी जब ये ताउन आया था, घर के एक मुर्दे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना कर घर पर आते ही घर का दूसरा फर्द फिर तस्वीर के लिए तैयार है। नतीजे में हमने तो देखा नहीं, खरीफ ज़माने के इस पर उस ज़माने के मुशाहदत करने वाले, तफसीलात उन भुगतने वाले चंद बंदों को अल्लाह ताला बचाता भी है, ताकि आने वाली नस्लों को और मौजूदा जो बाकी रख दिया गया है उनको बड़ा सबक देने सिखाने के लिए। ये आसमानी आफतें हैं, दुनिया की हर चीज़ में महारत, हर चीज़ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर अभी करने में हैं। चिकनगुनिया आया था, उसकी दवा आज तक भी नहीं निकाले, जितनी दवाएं अंदाजे के ऊपर, मलेरिया का इलाज तलाश करके रखे, तहकीक के बाद तफ्तीश के बाद हो जाता है ये मलेरिया है, एक गोली खाते पूरी तरह बुखार फौरन उतरता है, क्यों? सही इलाज मिला, पूरी तहकीक के बगैर। बुखार तो है ना, बुखार की एक नहीं 100 किस्म के गोलियां दे दो, बुखार उतरता नहीं, पूरी तहकीक हो जाए, एक और दो मुश्किल डॉक्टरों का अपना तरीक़ा, कम से कम 3 दिन तक, बहुत ज़्यादा है फिर भी 5 दिन, 6ठे दिन वो गोली रिपीट नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सही निशाना मिल जाए तो फिर दवा भी लगेगी। कहने लगे हर 100 साल के बाद आम मुसीबत आया करती है और 2 साल में ख़त्म होती है, 19 गया, 20 गया, 21 आया, 22 ख़त्म होने को है, अभी भी कोई तवक्को नहीं है। रोज़ का अखबार पढ़े हैं, आज भी खुद आपके हैदराबाद के अंदर आज भी 400 से ऊपर की तादाद है कोरोना में पॉजिटिव पाए गए हैं, रोज़ाना
अखबार की खबर 4-5 8-10 के मरने की आज भी इत्तला है। और गवर्नमेंट जब 4 कहती है तो करीब करीब 40 का आदद होता है, करीब करीब वो आदत कुछ मानी हो जाए कि जो आदत बताते हैं उसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत सी इमदाद जो कि नाकाफ़ी मकदार में फिरने वाले फ़कीर को जो इंसान देता है उसके बराबर ही रहती है। वो ये सारे उसूल बता दिए। जब का वाक़या था वो हमको क्यों, कानून इलाही क्या है, हर मुसीबत तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा तो बड़ा रहमान रहीम है, उन्हें आप पे ज़्यादा नहीं करता जो चीज़ें बताए उसके ख़िलाफ़ करने पर। चुनाते हज़रत शरीफ में है, इज़ा बख़सल मिकियाल हुबिसल मतरु, ख़रीदो फरोख में, ताजरीन में आने वाले ग्राहकों को ग्राहक बनाते चलना, धोखा देने चलते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, लेने में तो दुकानदार बेचने के लिए माल लेने के लिए पूरी तरह असल मकदार से ज़्यादा लेकर आता है, मिलता है उसको, आप भी ले जाकर कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए किसी दुकानदार को देने जाए सही सही मकदार में अच्छे वज़न के साथ तोल कर लेता है, 99% 99% इतने दुकानदार के नाम तुमने बराबर डिफरेंस है, बराबर डिफरेंस है। मेवे की दुकान है, यहीं से कुछ देर पर मेवा बेच रहा है, मैं चलते चलते तलब हुई, शायद अंगूर थे, अभी 2-3 साल पुरानी बात है, लेने लगा तो मेरे सामने, हालांकि वो तो उठाने का भी नहीं है, इधर बट रखना है खुद ब खुद, यह निश्चित बता रहा है। अब उसको साथ साथ लाड़ प्यार आ गया, मैं नजरों के सामने से उसके नीचे से एक चीज़ हटाया, तोल को बराबर करके दिया, सुबह से शाम तक वही कारोबार। आजू बाजू दुकान वालों से ये कह देते हैं खाना तो चला लीजिए, वो भी उसके रिश्ते का धोखा देने में फरेब देने के एतबार से पक्का सग्गा भाई, एक ही खून। चन्ने करते हैं इसलिए 80% से ज़्यादा का जिक्र कर रहा हूँ मैं, अजीब इतफाक़ 200 तजुर्बे के ऊपर इन कारोबार मामलों में गैर मुस्लिम थोड़ा दयानतदार है, जितना मुस्लिम पेशा है ये 90% से ज़्यादा। हदीस शरीफ में आया है जब ये चीज़ होने लगती है मुस्तक़बिल क़ुरान में सूरह जगह 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 जगह, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तो माली एतबार से गरीब ना होने के बराबर थी, ना होने के बराबर थी। पैगंबर ने फरमाया अरे नाप तोल में ऐसा क्यों करते हो, अल्लाह की फजल से अच्छे छो ना, फिर भी क्यों डंडे मारते हो जी। तीसरे बारे में मुस्तकिल एक सूरह है सूरतुल मुतफ़िफ़ीन, इन्हीं मसाइल से भरा हुआ है, कुरान में सबसे ज़्यादा ताकीद है इसकी। जब ये हो जाता है आसमान से बारिश या तो कम होंगी या हद से ज़्यादा, तुम्हारी फसल तैयार है बर्बाद, डुबा दो, एक एक पाइप से डैम बना कट्टा बना छोड़ दो, तुम्हारे पैसों को तुम्हारा खून चूस कर रोड बनाए उसको बहा दो, घरों में तब्दील कर दो। अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे आम इंसानों में ख़राबी
और तुम इंसान एक फर्द हो ना, अगर तुम दयानतदार भी हो, मान लेते हैं आप हैं, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है? आपके खानदान का भी ना कोई फर्द, दुकानदार है, तिजारत है, खरीफ का दूर का कोई खानदान बचाव नहीं है। हिम्मत है? नहीं बाबा हिम्मत नहीं, मुझे क्या पड़ी? इसलिए कि उसके साथ में जाना है आपको, जो उसके बुरे अंजाम में भुगतना है, इसलिए मुसीबत सबके ऊपर आती है। खराबी उसने क्या, तो उस जमाने का ऐसा तुम भी थे ना, तुम्हारे खानदान से जुड़ा हुआ ना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से जुड़ा हुआ ना, तुम्हारे महल्ले से जुड़ा हुआ ना, तुम्हारे गांव से जुड़ा हुआ है ना, तुम्हारी शहर और बस्ती से जुड़ा हुआ है ना, आपस में इंसानियत को इख्तियार नहीं कर सकता इंसान। उस हदीस के अल्फाज हैं, जब इसके अंदर होता है ये होता है, फिर इज़ा कसुर ज़िना कसुर अल-क़त्ल, बेहयाई जब आम हो जाती है, बेहयाई आम हो जाती है, गौर व फिक्र के उनवान से, गौर व फिक्र के उनवान से कोई भी सीरियल देखिए, कोई भी फिल्म देखिए, अब तो हर शख्स जेब में रख लेकर कुरान तो रहने दो, सीने से लगा हुआ रहने दो, मैं तो बच्चों को लफ्ज़ बदल के बोलता हूँ, मुझे तालीम देना पड़ता है रोज़ाना, इस्लामी कानून बड़ी बड़ी किताबें रोज़ाना दो तीन ढाई घंटे रोज़ाना पाबंदी से जाता हूँ पढ़ाता हूँ, हर बच्चे के पास भी रखा हुआ है, मैं मोबाइल नहीं बोलता, मुँह का बैल बोलता हूँ उसको, मुँह का बैल है, सबसे बेवकूफ़ बेवकूफ़ परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं जो अब्बा जान होते हैं, क्यों दिलाए भी? आपको प्यार नहीं, सत्यानाश करना चाहते हैं आप, कर लो, एक एतबार से तुम भी सत्यानाश हो, भला कहीं को होगा, भला कहीं को होगा, दिलाओ ना छोटा फोन कमिंग और गोइंग वाला, कहीं को स्मार्ट होना फुला होना फुला क्यों? आपको राबी देख रहे होना ना, बस इतना काफ़ी है ना, क्यों नहीं करते आप? उन सब के अंदर सिर्फ भी आए खुल्लम खुल्ला भी आए खुल्लम खुल्ला भी आए, हजारों 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 में का दुक्का बंदा है आईफोन या स्मार्टफोन से सही इस्तेफादा करने वाला, हजारों हजारों में का दुक्का, माँ बाप सब नजिस नजिस नजिस, ज़हनियत बस गंदे 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 गंदे, फिर वहाँ से हटने के बाद हम बहुत नेक बहुत नेक बहुत नेक बहुत नेक, अल्लाह ताला फरमाता है वला तुज़क्कु अन्फुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तखा, अल्लाह ताला खूब जानते हैं तुम कितने पाकबाज हो। मेरा हदीस के अल्फाज में, जब ये आम हो जाता है कत्ल व गारत गिरी फैलने लग जाती है, अब जमाने में फैली बीच है, छोटी छोटी अंदा अंदा चीज पर, हत्ता के बाप बेटे को ख़त्म करने लगा, बेटा बाप को ख़त्म करने लगा, शौहर बीवी को ख़त्म करने लगा, बीवी शौहर को मारने लगी। आज के अखबार की सेहत की खबर है, कुछ क्या कराया नहीं, उस घर में एक से ज़्यादा बच्चे आए, कभी इशाराबाजी करता था आहिस्ता बुला कर, चारों लड़कियों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया, आज की न्यूज़ है, आज के अखबार की न्यूज़ है, वाकया कल का है। कोई दिन खाली नहीं, कोई हिस्सा बचा हुआ नहीं, उसकी वजूहत अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये फहुशकारी जब आम हो जाती है, खत गारतगिरी खुद फैल जाती है,
कौन फैलाए? तो गारतगीर का पैदा करने वाला अल्लाह ताला, मगर वो आपको देने के लिए नहीं है, आप आगे बढ़कर ले रहे हैं। रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्ला लो। फिर तीसरी चीज पर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा कसूर अल किज़्ब, इज़ा कसूर अल कज़िब, कसूर अल हरज, झूठ बोल फिराना, उल्टे तावीलात करके जिम्मेदारियों से हाथ छुड़ाना और खुद अपने आप को पाकबाजियाँ करते चलना, और ये सबसे ज़्यादा हो गया। जब ये है तो आम वबाएँ फैला देते हैं, जिसमें ताउन वगैरह का जिसमें इसमें जिक्र है, और हर एक से जुड़ा हुए साबिक़ उम्मतों के वाक़ियात की तफसील भी कुरान ने पेश कर दिया। जब इनके पर आई तो अल्लाह ताला फिल फौर 24,000 अफराद, तो 6 लाख में 24,000, यहाँ करोड़ों में होते हुए हर मुल्क में लाखों आदमी मरे, हर एक को दवा भी मिली, जमाशुदा पूंजी नहीं है तो घर बेचकर हजारों में लाखों में बाजों ने 1-1 करोड़ तक भी खर्च किए, फिर इनाम मिला भी उनको, मुर्दा लाश निकालने लगे, फिर यहाँ तक भी हुआ, नहीं नहीं आप लोग देखना भी नहीं, हाथ लगाना भी नहीं, मुर्दे को हम बताते भी नहीं। जब यह वबा आती है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आम आती है शरीफ भी जाता है, बदमाश भी जाता है, नेक भी जाता है, बुरा भी जाता है। इसको महावीरा है, चक्की में गेहूँ पीस रहे, कंकर आ गया, कंकर भी पीसे जाता, लेकिन सच्चा पक्के मोमिन के लिए ऐलान खुदाबंदी हुआ, उसको शहादत का दर्जा है। दूसरों के लिए दुनिया में जिल्लत, दुनिया में अजाब, फिर आखिरत में अजाब। वजह बताते हैं, बीमा कानून यब सुखून, जुल्म जालिम फासिख फाजिर जीम अली फैजल जाहिद यशादून, ये सब एक मफहूम में है। उसूल से हटना, गैर इंसानी फिक्र में आगे बढ़ते चलना, आने उसके वजह एक नोट बयान कर दिए, फिर भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी किया ना, और क्या क्या मेहरबानी किया, ये 8वां इनाम था जो जिक्र कर कर फिर वहाँ भी गलतियाँ करने लगे तो अल्लाह ताला सज़ा भी दिए, ऐसा कि हर आदमी भी नहीं किया ना, अल्लाह ताला ने बचाया भी, बचाते बचाते हैं तो उनकी नस्ल है तो तुम हो ना, एक वक्त आएगा किसी को बाकी नहीं रखेंगे, फिर नस्ल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मज़ीद उसकी तफसील आयत नंबर 60, 61, 62 से फिर मज़ीद वजाहत आती रही। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानअल्लाह।